नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों हम लोग रीति काल पढ़ रहे हैं दोस्तों, और रीति काल में आपको आज मैं रीति जो है बद्ध कवि केशव दास, रीति बद्ध कवि केशव दास के बारे में बताने वाला हूं। इनका जन्म दोस्तों 1555 ओरछा में हुआ था, 1555 ओरछा में हुआ था। ये रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं किसके द्वारा, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि ये रीति काल के प्रवर्तक हैं दोस्तों। उसके बाद इनका जो इनको है ना भाषा का मिल्टन कहा है, किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने इन्हें भाषा का मिल्टन कहा है दोस्तों, जिसमें तीन भाई हैं दोस्तों, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, और एक जो है आप बताएंगे, सुखदेव और गणेश, और एक है श्याम बिहारी मिश्र। तो सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन मिश्र बंधुओं ने इन्हें भाषा का मिल्टन कहा है। और कठिन काव्य का प्रेत इनको कहते हैं शुक्ल जी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केशव दास के बारे में जो प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस व्हाइट बोर्ड पे मिल जाएगा। रीति बद्ध कवि है दोस्तों, और ओरछा नरेश के आश्रित कवि है। किसके आश्रित कवि है, ओरछा नरेश के ये आश्रित कवियों में आते हैं। और इनकी रचनाएं दोस्तों रामविलास 1551, इसमें रस और नायिका भेद का वर्णन किया गया है। उसके बाद रामचंद्रिका, यह दोस्तों एक रात में रचा गया, 39 भाग इसमें, और संवाद कौशल के लिए यह प्रसिद्ध रचना है। कविप्रिया दोस्तों अपने शिष्या राय प्रवीणा को पढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए कविप्रिया की रचना उन्होंने 1601 में किया था, और रामचंद्रिका भी 1601 में। इस समय अकबर राजा था दोस्तों, 1605 तक अकबर रहता है ना, तो अकबर राजा था। रतन बावनी 1607 में दोस्तों, रतन सिंह की 52 कविताओं में प्रशंसा की गई है रतन सिंह की। उसके बाद देखिए विज्ञान गीता 1607 में आध्यात्मिक ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित 1607 में ही रची गई है, तो विज्ञान गीता 1607 में आध्यात्मिक ग्रंथ है, वीर सिंह देवचरित 1607 में। और जहांगीर जस चंद्रिका, उसके बाद रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में इसको लिखा है इन्होंने दोस्तों। तो आप फिर से एक बार देखिएगा, इनका जन्म ओरछा में 1555, रीति काल के प्रवर्तक मानते हैं इनको डॉक्टर नागेंद्र, भाषा का मिल्टन इनको बोला है मिश्र बंधुओं ने सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। कठिन काव्य का प्रेत माना है शुक्ल ने, रीति बद्ध कवि है ये केशवदास, क्या है, रीति बद्ध कवि है, ओरछा नरेश के आश्रित कवि है दोस्तों ये, ठीक है ना। रचनाएं रामविलास, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चरित्र और रसिक प्रिया। कई बार पूछा है रसिक प्रिया को दोस्तों, रामचंद्रिका तो पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए इनकी भाषा देखते हैं, तो इनकी जो भाषा है वो बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा है, और नख शिख वर्णन नायिका का संपूर्ण वर्णन करने के लिए ये जाने जाते हैं दोस्तों। और इनकी छंदमाला वाणिक 77 और मात्रिक 26 है दोस्तों। रीति काल व भक्ति काल के बीच का कवि, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि रीति काल व भक्ति काल के बीच का कवि किसे मानते हैं, तो रीति काल और भक्ति काल के बीच का कवि केशव दास है दोस्तों। और रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर, रामचंद्रिका जो इनकी रचना है जो 1601 में लिखी गई थी अकबर के कालीन, उसको राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, छंदों का अजायब घर। और दोस्तों जानते हैं ये बीरबल के परम मित्र थे, लेकिन अकबर के साथ इनकी अनबन थी, इस प्रकार देखिए केशव दास के बारे में लगभग सारी बातें आपको हमने बता दिया, किसने इनको क्या कहा, कौन कौन सी रचना है, इसमें क्या वर्णन है, और इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच का कवि माना जाता है। तो यही सारे प्रश्न बनते हैं केशव दास से, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनते दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक नजर और डालते हैं दोस्तों चिंतामणि पर। चिंतामणि का जन्म सिकवापुर में हुआ था, जो कानपुर में पड़ता है। ये रीति काल के अखंड परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीति काल के अखंड परंपरा का प्रवर्तक माना है दोस्तों। इनकी रचनाएं
रस विलास, छंद विलास, काव्य विवेक, काव्य विचार, रामायण, कृष्ण चरित्र, कविकुल कल्पतरु याद रखिएगा दोस्तों, मणि चिंतामणि। और इसी को इन्होंने बताया था ना, प्रवर्तक माना है इनको, इनको क्या किया है, रीतिकाल का प्रवर्तक माना शुक्ल ने इसी के आधार पे। अब आइए दूसरे नंबर पे देव, नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे देव है, इनका पूरा नाम है दोस्तों देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म इटावा में हुआ था और सर्वाधिक आश्रयदाता बदलने वाला कवि है। ये क्या है, सर्वाधिक आश्रयदाता बदलने वाले कवि है दोस्तों। और इनकी रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, राग रत्नाकर, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, देव माया, देव चरित, प्रपंच नाटक, देव शतक और अष्टयाम है, देव शतक और अष्टयाम। तो ये रचनाएं मुख्य मुख्य इनकी हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे चौथे नंबर पे भूषण है। भूषण की बात करें तो इनका असली नाम घनश्याम है। इनका असली नाम क्या है, घनश्याम है दोस्तों। ये भूषण जो है इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी हैं और भूषण की उपाधि चित्रकूट के शासक रुद्र सोलंकी ने इनको दिया था दोस्तों, रुद्र सोलंकी ने दी थी। और रीतिकाल का एकमात्र वीर रस का कवि है जिसे रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, भूषण को। रीतिकाल का एकमात्र वीर कवि कौन है, भूषण है। यह दो आश्रयदाताओं के बीच में रहे हैं, शिवाजी और छत्रसाल के बीच में। शिवाजी और छत्रसाल इनके दो जो है आश्रयदाता रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इनकी रचना है शिवराज भूषण, अक्सर पूछता है शिवाजी की प्रशंसा है। यह एक अलंकारिक रचना है जिसमें 92 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और 2 उभयालंकार हैं दोस्तों। शिवाजी बावनी में शिवाजी की प्रशंसा 52 कवित्र में किया गया है। और तीसरा है छत्रसाल दशक, यह 10 कवित्र में छत्रसाल की प्रशंसा की गई है। 10 कवित्र में किसकी प्रशंसा की गई है, छत्रसाल की। तो एक बार आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए शुरू से फिर से। चिंतामणि जन्म तिकवापुर कानपुर, कान ये जो रीतिकाल के अखंड परंपरा के प्रवर्तक हैं भाई शुक्ल। रचना है रस विलास, छंद विलास, काव्य विवेक, काव्य विचार, रामायण, कृष्ण चरित, कविकुल पतरु, ठीक है ना। अब देखिए भाई देव, पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी, जन्म इटवा, सर्वाधिक आश्रयदाता बदलने वाला कवि जो है यही है दोस्तों। इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, राग रत्नाकर, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, देव माया, देव चरित, प्रपंच नाटक, देव शतक, अष्टयाम, ठीक है ना। तो उसी तरह भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम, इनका इनको उपाधि दिया था रुद्र सोलंकी ने। रीतिकाल का एकमात्र वीर रस कवि और इन्हें रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी कहते हैं। श्रद्धाता थे शिवाजी और छत्रसाल। रचनाएं शिवराज भूषण, शिवाजी की प्रशंसा इन्होंने किया। अलंकारिक रचना है, 92 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, 2 उभयालंकार इसमें दोस्तों। शिवा बावनी, शिवाजी की प्रशंसा 52 कवित्व में किया गया है। छत्रसाल दशक, यह 10 कवित्व में छत्रसाल की प्रशंसा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं भिखारी दास। भिखारी दास साहित्य जगत में दास जी के नाम से जाने जाते थे। ये साहित्य जगत में ये दास जी के नाम से जाने जाते थे, जाते हैं। और रचनाएं इनकी काव्य निर्माण, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति बड़ा पूछता है दोस्तों, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। ये पंक्ति अक्सर पूछता किसकी है, तो ध्यान रखिएगा तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, ये भिखारी दास की पंक्ति है। देखिए मतिराम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ललित लला, ये 3 रचनाएं मतिराम के हैं दोस्तों। अब यहां पे कुछ रीतिबद्ध कवियों के नाम हैं जिनकी रचनाएं हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सोमनाथ, रस पीयूष निधि, अमीरदास, सभा मंडन, तोष कवि, सुधा निधि, श्रीपति, कवि कल्पद्रुम, दुलह, कविकुल कंठाभरण, जसवंत सिंह, भाषाभूषण, कुलपति मिश्र, रस रहस्य, रसिक गोविंद, गोविंद आनंद, ठीक है ना। तो सेनापति भी लिखे हैं कवि कल्पद्रुम, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा। तो एक बार और देख लीजिए, सोमनाथ, रस पीयूष निधि, अमीरदास, सभा मंडन, तोष कवि, सुधा निधि, श्रीपति, कवि कल्पद्रुम, दुलह, कवि कुल्प कंठाभरण, जसवंत सिंह, भाषाभूषण,
और कुलपति मिश्र रस रहस्य, रसिक गोविंद लिखा है दोस्तों गोविंद आनंद धन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रीति बद्ध कवि थे उनकी बात हमने रीति काल के अंतर्गत कर लिया दोस्तों, और मुख्य मुख्य जो प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपके पास हो गए हैं। अब आराम से इत्मीनान से इसका नोट्स बनाइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब अगले पीरियड में फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।